नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। राहुल गांधी के मोदी सरकार से सवाल, कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट, फिर भी क्यों महंगे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। कोरोना की जांच कर रहे रैपिड टेस्ट किट ही सवालों के घेरे में, स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्यों को निर्देश, अगले दो दिन तक रैपिड टेस्ट का ना करें इस्तेमाल। केंद्र की टीम को रोकने पर पश्चिम बंगाल में सियासत तेज, राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बयान, संविधान को नहीं मानती ममता बनर्जी। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन पर पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट, महामारी के दौर में बिना विभाग के मंत्री, जनता के साथ मजाक, बीजेपी में चल रहा है आंतरिक संघर्ष। और इंदौर में लागू होगा भीलवाड़ा मॉडल, बुधवार से पूरे शहर में स्क्रीनिंग, नगर निगम की 1800 टीम संभालेगी मोर्चा। कोरोना वायरस की जांच के लिए राजस्थान में लाई गई रैपिड टेस्ट किट फेल हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि रैपिड टेस्ट किट से 95% रिजल्ट गलत आ रहे हैं। संक्रमित मरीजों पर किए गए रैपिड टेस्ट किट से परीक्षण में केवल 5% नतीजे ही सही पाए गए। ऐसे में रैपिड टेस्ट किट से राजस्थान में जांच रोक दी गई है। जयपुर में दो दिन पहले ही 10,000 रैपिड टेस्ट किट लाई गई थी। ये जो टेस्ट 168 है, ये तो आईसीएमआर ने भेजे थे हमारे को, कुछ हमने भी प्रिक्योर किए, लेकिन पहले हमने 168 टेस्ट उन रैपिड टेस्ट किट से किए जो आईसीएमआर ने हमको दिए। अब जब पॉजिटिव केसेस के ऊपर ही उनका प्रयोग हमारा असफल हो गया, वैसे भी ये टेस्ट फुल प्रूफ टेस्ट तो थे नहीं, इनसे हम मेकआउट कर पाते कि कितने पॉजिटिव केसेस हैं संदिग्ध, उनका पीसीआर टेस्ट तो फिर भी कराना पड़ता। लेकिन अब इस रैपिड टेस्ट को करने से हमारे जो डॉक्टर्स की टीम ने हमें एडवाइस किया कि कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्हें रोक दिया। उधर कोरोना टेस्ट के लिए जिस रैपिड टेस्ट किट का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था, उस किट पर आईसीएमआर ने फिलहाल रोक लगा दी है। आईसीएमआर के वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगा खेटकर ने कहा है कि सभी राज्य दो दिनों तक रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल ना करें। रैपिड टेस्ट किट की जांच के बाद गाइडलाइंस जारी की जाएगी, उसके मुताबिक ही राज्य रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल कर सकेंगे। सारे स्टेट्स को यह सलाह देना है कि दो दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। दो दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजेशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना से अब तक 3,252 लोग ठीक हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 705 लोग इलाज के बाद सही पाए गए हैं। अब तक देश में 3,252 लोग जो हैं वो क्योर हो चुके हैं। कल सबसे ज्यादा संख्या में 705 लोग रिकवर हुए हैं, क्योर हुए हैं, एंड इट टेक्स आर रिकवरी परसेंटेज टू 17.48%। कल से टोटल 1,336 एडिशनल कंफर्म केसेस आए हैं, विच टेक्स आवर कंफर्म केसेस टू 18,601। मुंबई में 50 से ज्यादा पत्रकारों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूरे देश में हड़कंप है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि बुधवार से दिल्ली में पत्रकारों के टेस्ट कराए जाएंगे। इस बात की जानकारी सभी मीडिया हाउस को दे दी जाएगी। मेरे पास कल से कई पत्रकारों के फ़ोन आ रहे थे कि आप हमारी भी टेस्टिंग का इंतजाम कराइए। तो कल से सुबह से हमने पत्रकारों की टेस्टिंग के लिए एक सेंटर चालू किया है, उसकी सारी जानकारी पत्रकारों को और मीडिया हाउसेस को दे दी जाएगी। पत्रकार जो पत्रकार साथी अपने अपने टेस्टिंग कराना चाहते हैं वहाँ जाके अपनी फ्री टेस्टिंग करा सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक भी पत्रकार को कोरोना नहीं निकलेगा। आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट के बावजूद भारत में डीजल पेट्रोल की कीमत नहीं घटने पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया है, अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें अप्रत्याशित आंकड़ों पर आ गिरी है, फिर भी हमारे देश में पेट्रोल 69 रुपये, डीजल 62 रुपये प्रति लीटर क्यों है? इस विपदा में जो दाम घटे सो अच्छा, कब सुनेगी ये सरकार?
वहीं कोरोना के बढ़ते कहर के बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर करारा वार किया है। राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए गरीबों का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि आखिर हिंदुस्तान का गरीब कब जागेगा, आप भूखे मर रहे हैं और वो आपके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनाकर अमीरों के हाथ की सफाई में लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट के बावजूद देश में कीमतें कम नहीं करने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महामारी के दौरान देश भर से परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं, बावजूद इसके सरकार कोई राहत नहीं दे रही। सस्ते पेट्रोल डीजल से किसानों ट्रांसपोर्टर्स को फायदा मिलेगा और इससे मध्यम वर्ग भी लाभान्वित होगा, लेकिन इसका फायदा सरकार क्यों नहीं दे रही है। देश के कई कोनों से दिल दहला देने वाली उदाहरण सुनाई देते हैं कि भुखमरी के चलते कोई राख खाकर जी रहा है, कोई मेंढक खाने पे मजबूर हो रहा है। ये क्या स्थिति है? और ऐसी स्थिति में अगर हम ये राहत आम उपभोक्ता को नहीं दें, जो तेल के गिरे हुए दामों की राहत है जो सरकार को मिल रही है, वो हम आम उपभोक्ता, किसान, ट्रांसपोर्टर, इनको नहीं दें, तो ये सरकार क्या अपना दायित्व निभा रही है? वहीं वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार गिरावट के बाद ट्रक ऑपरेटरों के संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सरकार से ईंधन की कीमतों में कटौती की मांग की है। इसके साथ ही AIMTC ने टोल कलेक्शन भी स्थगित करने की मांग की है। ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में राजमार्गों पर टोल कलेक्शन को फौरन स्थगित किया जाए। साथ ही उनका कहना है कि COVID-19 महामारी की वजह से लागू राष्ट्रव्यापी बंद से ट्रांसपोर्ट सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है, ऐसे में उसे राहत की दरकार है। साथ ही AIMTC के अध्यक्ष कुलतरन सिंह अटवाल ने कहा कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से हमारी हालत और खराब हुई है। ईंधन की कीमतों में कटौती नहीं की जा रही, बल्कि इन पर वैट की दरें बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को भारत की तरफ से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल की कीमत $20.56 प्रति बैरल थी। ये लागत ओमान, दुबई और ब्रेंट कच्चे तेल का औसत है। साथ ही अटवाल ने कहा कि इस साल की शुरुआत से ब्रेंट तेल के दाम करीब 60% नीचे आ चुके हैं, वहीं इस दौरान डीजल के दाम सिर्फ 10% घटे हैं। बता दें कि AIMTC ट्रांसपोर्टरों का संगठन है, इसके सदस्यों में 95 लाख ट्रक ऑपरेटरों और इकाइयां शामिल हैं। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश में फंसे जम्मू कश्मीर के छात्रों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के लगभग 135 छात्र छात्राएं भोपाल में फंसे हुए हैं, जिनमें से अधिकतर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं और मुस्लिम हैं। दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा कि 23 अप्रैल से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, ऐसे में ये सभी अपने घर लौटना चाहते हैं। लॉकडाउन के चलते इन छात्र छात्राओं को परेशानियां उठानी पड़ रही है, ऐसे में मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस तरह से काशी से दक्षिण भारत के 1000 तीर्थयात्रियों और राजस्थान के कोटा से यूपी और एमपी के छात्रों को लाने का प्रबंध किया गया, उसी तरह से इन छात्रों को भी जम्मू कश्मीर भेजने का कष्ट करें। उधर कोरोना के कहर के बीच मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और अब मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया। सत्ता में वापसी के 29 दिन बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन ने सभी नए मंत्रियों को शपथ दिलवाई। कैबिनेट विस्तार में 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इनमें कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री भी शामिल हैं। जिन मंत्रियों ने शपथ ली उनमें नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, मीना सिंह, तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत शामिल हैं। इनमें से तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत की गिनती ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों में होती है। आज पहली बैठक हुई कैबिनेट की, हर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बीच में भी कैबिनेट की बैठक करेंगे, लेकिन अभी प्रत्येक मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। कोरोना की समीक्षा की हमारी बैठकें लगातार चलती रहेंगी। आज हमने 24 तारीख से लेकर आज तक, 24 मार्च से 21 अप्रैल तक
जो फैसले लिए थे उससे कैबिनेट को अवगत कराया, एक नहीं अनेकों फैसले इस दौरान लिए गए। कोरोना संकट से निपटने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा की, आगे की रणनीति बनाई। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन के साथ ही सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि कोरोना महामारी के संकट के इस दौर में आज मंत्रिमंडल गठन से भाजपा ने प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ मजाक किया है। एक माह बाद मंत्रिमंडल का गठन, वो भी सिर्फ 5 मंत्री, कोई विभाग का बंटवारा नहीं। इसी से समझा जा सकता है कि भाजपा में कितना अंतर्द्वंद चल रहा है, कितना आंतरिक संघर्ष चल रहा है। प्रलोभन का खेल खेलकर इन्होंने कांग्रेस की स्थिर सरकार तो गिरा दी, अपनी सरकार बना ली, लेकिन ये सरकार ये कैसे चलाएंगे, कितने दिन चलाएंगे, आगे आगे देखिए। इस मंत्रिमंडल के गठन से भी इनके संघर्ष की वास्तविकता सामने आ चुकी है। आज के मंत्रिमंडल गठन में ही भाजपा के कई जमीनी संघर्ष करने वाले अनुभवी, ईमानदार, योग्य संकट के इस दौर में जिनके अनुभव की आज आवश्यकता थी, वो सब नदारद, और जो संकट में भाग खड़े हुए वो अंदर। उधर शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी ने कहा है कि सिर्फ 5 मंत्रियों के शपथ ग्रहण से साफ हो गया है कि बीजेपी में कितना अंतर्कलह है। आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जब 5 मंत्रियों को मंत्री बनाया गया तो 25 को क्यों नहीं बनाया गया? एक महीने के बाद भी बीजेपी का अंतर्कलह मध्य प्रदेश के भविष्य को निगल रहा है। एक भी बिना मास्क से शपथ होना, आपस में मिलना, फोटो सेशन कराना और नरेंद्र मोदी जी के लॉकडाउन को गालियां देना, पूरे मंत्रिमंडल में इन्होंने बताया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। राजस्थान की धरती, राजस्थान के लोग, सत्ता के गलियारे या मुद्दों की बात, राजस्थान पर हर रोज होगी हमारी नजर। हर शाम 7:30 बजे स्वराज राजस्थान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acres ऑफ लश ग्रीन कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी। एडमिशंस ओपन फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड, भोपाल। कॉल 9165025500। RKDF यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, ना कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF रैंक यूनिवर्सिटी एंड बिकम CEO ऑफ योर कंपनी। एट RKDF यूनिवर्सिटी वी फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। कोर्सेज ऑफरिंग BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, BEd, DEd, MEd. विजिट RKDF यूनिवर्सिटी एट गांधीनगर, भोपाल, और कॉल ऑन टोल फ्री नंबर 1800-270-320। श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590।
SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241-44981 or visit www.srku.edu.in. कोरोना वायरस पर पश्चिम बंगाल में खुलकर राजनीति चल रही है। अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संविधान को नहीं मानती हैं और वे खुद को कानून समझती हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा भेजी गई इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम का विरोध ममता बनर्जी क्यों कर रही है। राज्यपाल ने कहा कि भारत सरकार ने इस टीम को कानून के तहत बनाया है। ये टीम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में आकर कोरोना से जुड़े हालात का जायजा लेगी और हमें सुझाव देगी। आखिर इससे ममता बनर्जी को दिक्कत क्या हो रही है। यहां आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच में पश्चिम बंगाल में खुलकर यहां राजनीति चल रही है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पलटवार किया है और कहा है कि ममता बनर्जी संविधान को नहीं मानती और वे खुद को कानून समझती हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम का विरोध ममता बनर्जी कर रही हैं, उसी के ऊपर ही विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आई वॉज रियली इन फॉर अ क्रूअल सरप्राइज व्हाई दिस स्टेट डिड नॉट टेक दिस राइस। 1,55,000 टन्स ऑफ राइस अवेलेबल विद FCI एंड दे वर इन रेडीनेस मोड। Fortunately, the pressure put on them by political leaders of the late parties who agitated, other political parties agitated, and they have started lifting it. Now, my anxiety is it should directly go to the person concerned. It must not go to anyone else. एक तरफ कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय टीम का ममता बनर्जी विरोध कर रही है तो दूसरी तरफ वे सड़क पर उतरकर खुद लोगों को लॉकडाउन का महत्व समझा रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोलकाता के राज बाजार इलाके में वे खुद अनाउंसमेंट करती नजर आ रही हैं। वे लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और सोशल डिस्टेंस को हर हाल में बनाए रखने की अपील कर रही है। कोलकाता में पूरा कोरोना का ज्यादा हुआ, इसी के लिए हम लोग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने पड़ते हैं। आप लोगों को अच्छा रखने के लिए प्लीज माफी कीजिए, मैं आप लोगों के पास माफी चाहती हूँ। इसी के लिए आप लोग अच्छे रहिए, सुस्त रहिए, ये लड़ाई में आपका शामिल होना जरूरी है, आपका साथ होना जरूरी है। अच्छे रहिए, हम लॉकडाउन नहीं तोड़ना चाहती हूँ। इसी के लिए मैं आप लोगों को पास नहीं मिल पाया, लेकिन आपको एरिया में आई हुई है देखने के लिए। आप लोग ठीक रहिए। कोरोना के कहर के बीच स्वास्थ्य कर्मियों से बदसलूकी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। राजस्थान के झालवाड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निजी चालकों ने पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ नारेबाजी की और अपनी सेवाएं देना बंद कर दिया है। निजी एम्बुलेंस चालकों ने मांग उठाई है कि वो तभी काम करना शुरू करेंगे जब उन्हें पास जारी किए जाएंगे। इनका कहना है कि पुलिस कर्मी उन्हें परेशान करते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। अस्पताल के अधीक्षक ने उन्हें जल्द पास की व्यवस्था करने का भरोसा दिया है, जिसके बाद निजी एम्बुलेंस चालक शांत हुए हैं। बिल्कुल नहीं किया हमें, कोई पास जारी नहीं किया। हमारे जो लोग गए थे वहाँ पे एक पर्चा दिया था उन्होंने कि ये काम आ जाएगा, लेकिन वो भी काम नहीं आया। कल झालावाड़ के हमारे गिफ्ट के सामने हमारी गाड़ी वहाँ रुकाई थी। उन्होंने बताया कि आप परमिशन लाओ तभी गाड़ी चलेगी, अन्यथा खड़ी कर दो इन्हें, मैं सीज कर दूँ। अब क्या मांग है आप लोगों के? सर हमें केवल परमिशन एम्बुलेंस चलाने की चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए सर। हम तो सेवा ही कर रहे हैं, इतनी खतरनाक बीमारी होते हुए भी हम गाड़ी चला रहे हैं, मरीजों को ले जा रहे हैं। बिहार के अररिया में होमगार्ड जवान को उठक बैठक कराने के मामले पर बिहार के DGP ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। DGP ने कहा कि वह ऐसे अपमान और गैर कानूनी कार्यवाही को बर्दाश्त करने वाले नहीं। दरअसल ये मामला अररिया जो कि हाट मार्ग पर सुरजापुर पुल का है, ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अररिया के कृषि पदाधिकारी से
मूवमेंट पास मांगने पर वे होमगार्ड जवान पर भड़क गए थे। गाड़ी से उतरकर वे सड़क पर ही सिपाही से उठक बैठक करवाने लगे और इतना ही नहीं, बीच सड़क पर ही पैर छूकर उस चौकीदार से माफी मांगने का आदेश दिया था। ह्यूमन डिग्निटी इज ह्यूमन डिग्निटी। ये हमारा चौकीदार भी उतना इंपॉर्टेंट है, सिपाही भी उतना इंपॉर्टेंट है, उसकी भी उतनी ही इज्जत है जितने किसी बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी की है। तो आदमी के सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। तो जो मैंने मीडिया में पढ़ा है उससे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है, सरकार के संज्ञान में है, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। उधर यूपी के रायबरेली में 33 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन ने सभी मरीजों को क्वारंटीन किया है। इससे पहले 2 मरीज सामने आए थे, जिससे रायबरेली में अब मरीजों की संख्या 35 हो गई है। इनमें से 16 मरीज सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं, जबकि 17 मरीज रायबरेली के ही रहने वाले हैं। रायबरेली में 33 नए मरीजों के सामने आने के बाद प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी युद्ध में अब भीलवाड़ा के प्रभावशाली मॉडल को इंदौर में भी अपनाया जाएगा। भीलवाड़ा की तर्ज पर इंदौर में स्क्रीनिंग का काम शुरू होगा। इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर निगम के आयुक्त आशीष सिंह के मुताबिक बुधवार से नगर निगम की 1800 टीमें मैदान में उतरेंगी और सर्वे के साथ स्क्रीनिंग का काम किया जाएगा। स्क्रीनिंग का काम योजनाबद्ध तरीके से ही किया जाएगा, साथ ही कोरोना वायरस के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए 6 दिन बाद दोबारा स्क्रीनिंग करने की प्लानिंग भी की गई है। दरअसल राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा शहर में कोरोना वायरस के शुरुआती दौर में ही स्क्रीनिंग का काम शुरू कर दिया गया था। भीलवाड़ा प्रशासन की ये प्लानिंग कारगर भी साबित हुई। दूसरी तरफ नगर निगम की तरफ से शुरू की गई आसान राशन खरीदी योजना को बेहतर तरीके से अमली जामा पहनाए जाने पर नगर निगम ने राहत की सांस ली है। योजना के शुरू होने के बाद नगर निगम के पास सीधे आने वाले ऑर्डर की संख्या आधी से भी कम रह गई है। निगम आयुक्त आशीष सिंह के मुताबिक केंद्र से आए दल ने निःशुल्क राशन वितरण केंद्र का अवलोकन भी किया और कहा है कि इंदौर शहर देश का ऐसा पहला शहर है जहां निःशुल्क राशन व्यवस्था को इतने बड़े पैमाने पर लागू किया गया है। देखिए, निश्चित रूप से वैसे भी जो हमारी पेड राशन वाली व्यवस्था थी, कचरा गाड़ी के साथ चलकर पर्चे पर ऑर्डर लेने वाली, शुरू में जरूर 4-5 दिन उसमें समस्या आई थी, लेकिन जैसे ही हमने दुकानों की संख्या 1000 से बढ़ाई और लगभग 1200 के आसपास कर दी तो बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आ रहा था। उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी लॉकडाउन है और लोग अपने घरों में हैं। लॉकडाउन के बीच हितांशी, जिसे प्यार से कॉलोनी वाले टुन्ना भी कहते हैं, अपनी सुरीली आवाज से लोगों को सकारात्मक ऊर्जा दे रही है। 10वीं में पढ़ने वाली हितांशी 22 मार्च से कॉलोनी वालों को मधुर आवाज में गीत सुनाकर उनकी निराशा दूर करने की कोशिश करती है। गीत गाकर सकारात्मक ऊर्जा देती आ रही है। हितांशी की आवाज सुनते ही कई लोग खिड़कियों से बाहर और घर के गेट पर खड़े होकर उसका साथ देते हैं। कॉलोनी वाले हितांशी की तारीफ करते नहीं थकते। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि वे हर रोज शाम को हितांशी के गाने का इंतजार करते हैं। हितांशी का कहना है कि उसका मकसद है कि लॉकडाउन में लोग अपने घरों में रहें और उनका मनोरंजन होता रहे। रोज शाम को अपने घर के बाहर खड़े होकर सब पूरी कॉलोनी को एंटरटेन करती हूँ, सॉन्ग्स गाती हूँ, मोटिवेशनल सॉन्ग्स गाती हूँ और इससे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी जो कोरोना हमारे इंडिया में आ गया है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, इसके जो रूल्स है उसे फॉलो करना है, बार बार अपने हाथों को धोना है और अपनी कंट्री को सेव करने के लिए इन रूल्स को फॉलो करें। कर्फ्यू के बीच पटियाला प्रशासन ने अनोखी मिसाल कायम करते हुए एक बच्चे को उसकी माँ से मिलवाया। मियन कबीर अब जम्मू में अपनी माँ के पास पहुंचकर बेहद खुश हैं। पटियाला के अर्बन स्टेट में 3 साल का मियन कबीर अपने नाना नानी के घर छुट्टियां बिताने आया था, लेकिन इस बीच लॉकडाउन लागू हो गया। 15 दिन बीत जाने के बाद मियन कबीर अपनी माँ से दूर रहने की वजह से स्ट्रेस में रहने लगा। इस पर उसके नाना नानी ने जिला बाल सुरक्षा ऑफिस से संपर्क साधा। बाल विकास विभाग ने ऑफिसर रूपवंत कौर ने बताया कि बच्चे के कागजात चेक करने के बाद जम्मू में बाल विकास ऑफिस से संपर्क साधा गया, जिसके बाद बच्चे को नाना नानी के साथ
जम्मू भेज दिया गया। अब माँ और बच्चा दोनों बेहद खुश हैं। बच्चे के पिता ग्वालियर में बैंक में काम करते हैं और माँ जम्मू में ही एक बैंक में काम करती हैं। उधर केदारनाथ धाम में करीब 5 महीने बाद बिजली की सप्लाई शुरू हो गई। दरअसल शीतकाल में कपाट बंद होने के चलते बिजली और संचार सुविधाएं बाधित हो जाती है, जिन्हें अब फिर से बहाल कर दिया गया है। वहीं केदारनाथ के नजदीक लिनचौली तक पानी की आपूर्ति भी कर दी गई है। यात्रा पड़ावों पर पुलिस की टीमों को 22 तारीख यानी कल से भेजना शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन के मुताबिक केदारनाथ धाम के लिए घोड़े खच्चरों का भी इंतजाम कर दिया गया है। प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं, जिससे यात्रा व्यवस्थाओं पर भी नजर रखी जा सकेगी। प्रशासन ने केदारनाथ धाम के कपाट को खोलने की तिथि में भी बदलाव किया है और अब केदारनाथ धाम के कपाट 14 मई को खुलेंगे। इससे पहले केदारनाथ धाम के कपाट 29 अप्रैल को खोले जाने थे। अपने दर्शकों को हम बता दें कि कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन अगर आप तकलीफ में हैं, बीमार हैं, घर वालों को संदेश देना चाहते हैं तो अपने फ़ोन नंबर के साथ अपना वीडियो आप हमें भेज सकते हैं। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7303891517। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।